हेलो एवरीवन, हमारी तीन ऐप है। भूषण साइंस प्लस पहली ऐप जिसमें हम मेडिकल, फार्मेसी और नर्सिंग के वीडियो लेक्चर स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। दूसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस नीट, जिसमें हम नीट रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स, लाइव क्लासेस और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। और तीसरी हमारी ऐप है भूषण साइंस एग्जाम, जिसमें हम वेरियस एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग योर फार्मेसी, नर्सिंग, मेडिकल, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, एच एंड एवरी एग्जाम। थैंक यू दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है एरर्स। आप सब जानते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट है डिप्लोमा इन फार्मेसी का, उसमें फर्स्ट चैप्टर में आता है एरर्स। एरर्स में आपको पढ़ना है सोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ एरर। एरर्स फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है स्टडी करने के। क्यों? क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि एरर कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ये अगर पता लगा लिया जाए तो हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं, मैं स्टार्ट करता हूँ, उसके बाद आपको धीरे धीरे एक एक चीज समझाते जाएंगे। मेरे साथ बने रहिए आने वाले इस वीडियो में, 7 से 8 मिनट के लिए बने रहिए मेरे साथ में, और स्क्रीन को फुल स्क्रीन कर लीजिए और ईयरफोन जरूर यूज कीजिए सो दैट आपको वॉइस क्लियर है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। एरर्स क्या होता है? एज पर डेफिनेशन, द एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड वैल्यू। किसी भी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में, किसी भी एक प्रैक्टिकल पर्पसेस में जब कोई आंसर आता है तो एक्सपेरिमेंटल आंसर और उसका एक्चुअल आंसर जो हो सकता है उसके बीच में जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कहते हैं एरर्स। तो इसको डिफाइन किया गया, एरर्स आर द डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द एक्सेप्टेड वैल्यू। जहाँ तक आप सबने सुना होगा, आप सब यही सोचते होंगे, सबको यही पता है एरर्स मतलब गलती। एक्चुअल में एरर्स मतलब गलती नहीं, एरर्स में साइंटिफिकली एरर्स यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आता है, जो गैप है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू का गैप है, उस गैप को एरर कहा जाता है। ओके, तो एक्सपेरिमेंट्स किसी भी एनालिसिस में, किसी भी केमिस्ट्री में, किसी भी केमिकल एनालिसिस में एरर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए आपको ये टॉपिक आपके इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है। ओके, तो हम देखते हैं आगे इस टॉपिक में क्या है। एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर। एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स, पहला होता है डिटर्मिनेट एरर्स और दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट एरर्स। ओके, तो पहला हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेट एरर्स। दीज आर द एरर्स विच कैन बी डिटरमाइंड और आइडेंटिफाइड एंड कैन बी अवॉइडेड और करेक्टेड और इट्स इंटेंसिटी कैन बी रिड्यूस। तो एज पर डेफिनेशन से आप समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेट एरर्स वो एरर्स होते हैं जिनको पता लगाया जा सकता है, जिनको ढूंढा जा सकता है, जिनके बारे में जानकारी मिल जाती है, ऐसे एरर्स को डिटर्मिनेट एरर्स कहते हैं। और जैसे कि इनको ढूंढा जा सकता है, इनको पता लगा लिया जा सकता है, इसीलिए ये एरर्स को अवॉइड किया जा सकता है या फिर इनको करेक्ट भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ इन एरर्स की इंटेंसिटी है, यानी कि ये एरर होने का जो प्रमाण है उसको रिड्यूस, कम भी किया जा सकता है। तो दिस इज कॉल्ड एज डिटर्मिनेट एरर्स। सेकेंड इज इनडिटर्मिनेट एरर्स। इनडिटर्मिनेट एरर्स यानी कि दोज एरर्स, दीज आर द एरर्स which are not determined, means they are accidental or random in nature. Thus, these are unpredictable error and hence cannot be eliminated or difficult for elimination. तो देखिए, यहाँ पे डेफिनेशन में ये यही कहता है इनडिटर्मिनेट एरर्स कि ये ऐसे एरर्स होते हैं जिनका पता नहीं लगाया जा सकता है, यानी ये ऐसे एरर्स है जो हो रहे हैं जिनको ढूंढा नहीं जा सकता कि एरर हो रहा है, इसीलिए ये एरर एक्सीडेंटल है या रैंडम है। एक्सीडेंटल मतलब नहीं पता कर सकते कि ऐसा एरर हो सकता है लेकिन हो गया, तो इसलिए ऐसे एरर को कहा जाता है एक्सीडेंटल या फिर रैंडम। रैंडम मतलब किसी भी तरीके से हो जाए, ऐसे एरर्स को एक्सीडेंटल और रैंडम एरर्स भी कहा जाता है। तो जैसे कि ये एरर्स अनप्रेडिक्टेबल है, इसीलिए इनका पता लगाना या फिर इन एरर्स को कम करना, एलिमिनेट करना, एलिमिनेट मतलब निकालना, कम करना नहीं कर सकते, यानी कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे एरर्स को क्या कहते हैं, पता लगाना और उनको कम करना या फिर उसको ठीक करना। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ एरर। तो पहला जो डिटर्मिनेट एरर्स है, डिटर्मिनेट एरर्स का हम टाइप देखते हैं। डिटर्मिनेट एरर्स में पहला टाइप होता है सिस्टेमिक एरर्स। पहला टाइप होता है सिस्टेमिक एरर्स। ओके, दीज आर द डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एरर्स विच ऑकर एट ए कॉन्स्टेंट कैरेक्टर एंड वैल्यू
एंड मे वेरीज एट कॉन्स्टेंट लेवल, यानी ये ऐसे एरर्स होते हैं जो कॉन्स्टेंट रहते हैं, यानी कि ये इतना एरर होना ही है, इतनी गलती होना ही, इतनी चीजें कम पढ़नी है, ज्यादा पढ़नी है, जो भी है एक्सपेरिमेंट में या प्रोसीजर में, वो उस तरह के एरर्स, यानी कॉन्स्टेंट रहता है कि इतना एरर होगा। अब जैसे आपने कोई एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, उसमें आपने 50 ml का मार्क किया, लेकिन आपको पता है कि ये 50 ml का मेजरिंग सिलेंडर 50 ml लिखा है, लेकिन वो मेजर करता है 48 ml ही, तो कॉन्स्टेंटली आपको वही उतना ही वैल्यू बार बार गलत मिलेगा। तो ऐसे एरर्स को सिस्टेमिक एरर्स कहा जाता है। ओके, सेकेंड इज ऑपरेशनल एरर्स। तो यहाँ पे नाम से आप समझ सकते हैं, ऑपरेशनल मतलब ड्यूरिंग प्रोसीजर, ड्यूरिंग ऑपरेशन, ड्यूरिंग ऑपरेट करते वक्त, जो ऑपरेट मतलब सर्जरी ऑपरेशन, ह्यूमन बींग्स वाला नहीं, ऑपरेशन मतलब इंस्ट्रूमेंट मशीनरीज या फिर जो भी केमिकल एनालिसिस को ऑपरेट करते हैं उस वक्त के होने वाले एरर। दीज आर द डिटर्मिनेट टाइप्स ऑफ एरर विच ऑकर मे बी ड्यू टू पर्सन ऑपरेटिंग इक्विपमेंट एंड ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल एरर। यानी ये ऐसे एरर्स होते हैं जिनका होने का कारण ये होता है कि जो पर्सन ऑपरेट करता है उसके नेचर, उसके क्या कहते हैं बिहेवियर के ऊपर, यानी कि वो गलत करता है ऐसा नहीं, किसी का काम करने का, किसी का वर्क करने का तरीका, उसने जो सीखा है उसका तरीका, वो जिस तरीके से होता है उस तरह से, उसके वजह से जो एरर आता है ऐसे एरर्स को ऑपरेशनल एरर्स कहते हैं। एंड दिस एरर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनल एरर। दिस एरर्स कैन ऑल्सो ऑकर ड्यू टू इग्नोरेंस एंड केयरलेसनेस। एंड एग्जाम्पल कि मटेरियल लॉस ड्यूरिंग प्रोसेस, ऐसे एरर्स जो केयरलेसनेस या फिर इग्नोरेंस के वजह से भी हो सकते हैं, ऐसे एरर्स को ऑपरेशनल एरर्स कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज इंस्ट्रूमेंटल एरर्स। ओके, तो दीज आर द डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एरर्स ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्यू टू इम्प्रॉपर हैंडलिंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये ऐसे टाइप के एरर्स होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट के वजह से होते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट कर रहे हैं उसके उसके वजह से होते हैं। किस वजह से? इंस्ट्रूमेंट की इम्प्रॉपर हैंडलिंग, इंस्ट्रूमेंट का इम्प्रॉपर मेंटेनेंस या फिर इंस्ट्रूमेंट को इम्प्रॉपर ऑपरेट करने की वजह से, एज वेल एज एनवायरमेंटल एरर्स, यानी कि प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर कंडीशन, प्रॉपर प्रेशर नहीं मेंटेन करने से जो एरर्स ऑकर होते हैं, ऐसे एरर्स को इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहा जाता है। एंड फोर्थ टाइप केमिकल एरर्स। दीज आर द डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एरर्स ऑकर्स ड्यू टू केमिकल इम्प्योरिटी और सब स्टैंडर्ड केमिकल यूज्ड इन एनालिसिस। तो केमिकल एनालिसिस में ये फोर्थ प्रकार का एरर होता है जिनको कहते हैं केमिकल एरर्स, जो होते हैं बिकॉज जो केमिकल यूज किया वो या तो प्योरिटी का ना हो या फिर प्रॉपर स्टैंडर्ड का ना हो, उसके वजह से सब स्टैंडर्ड यानी कि रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड का ना हो, जिसके वजह से एनालिसिस में टेस्टिंग में जो डिफरेंस आता है, जो रीडिंग सही नहीं आती है, आंसर सही नहीं आता है, ऐसे एरर्स को केमिकल एरर्स कहा जाता है। देन नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट एरर्स। इनडिटर्मिनेट एरर्स में पहला टाइप होता है वेरिएशन इनडिटर्मिनेट एरर्स। देखिए एरर्स आर किसके टाइप है, ये इनडिटर्मिनेट एरर्स, लेकिन किसके वजह से हो रहा है, डिटर्मिनेट एरर्स में वेरिएशन आने की वजह से। डिटर्मिनेट एरर्स देखिए मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे एरर्स जिनका पता लगाया जा सकता है, जो कांस्टेंट है, जिनकी जानकारी हो, ऐसे एरर्स को डिटर्मिनेट एरर्स कहते हैं। लेकिन डिटर्मिनेट एरर्स में वेरिएशन आ जाने की वजह से जो एरर हुआ उसको कहेंगे इनडिटर्मिनेट एरर्स। ओके, तो देखिए वेरिएशन इन डिटर्मिनेट एरर्स इज द टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेट एरर्स। वेरिएशन इन डिटर्मिनेट टाइप ऑफ एरर्स इज कॉल्ड एज इनडिटर्मिनेट, इज अ टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेट एरर्स। तो क्यों होता है, दीज आर द एरर्स ऑकर्स व्हेन वन कैन नॉट और डज नॉट प्रोवाइड सुटेबल कंडीशन टू एक्सक्लूड द डिटर्मिनेट एरर्स। यानी कि ये एरर्स तब होते हैं, ये एरर्स उस समय होते हैं जब डिटर्मिनेट एरर्स जो हो सकते हैं, जिनके बारे में जानकारी है, उसको अवॉइड करने के लिए, उसको कम करने के लिए प्रॉपर कंडीशन अगर नहीं प्रोवाइड किया जाए तो होने वाला एरर होता है इनडिटर्मिनेट टाइप का, होने वाला एरर होता है इनडिटर्मिनेट टाइप का। नेक्स्ट इज सेकेंड टाइप ऑफ इनडिटर्मिनेट एरर्स इज रैंडम और एरेटिक एरर्स। ओके, दीज आर द एरर्स विच हैज नो कंट्रोल टू ऑकर और इट्स करेक्शन
एंड दस डिफिकल्ट टू पॉइंट आउट दिस टाइप ऑफ एरर। ये ऐसे एरर होते हैं जिनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है कि वो एरर किस तरह से होंगे, उनका कंट्रोल किया कैसे किया जाएगा या फिर उनका करेक्शन कैसे करेंगे, और इसी वजह से ना ही इनकी जानकारी मिल पाती है कि वो कैसे एरर है और ना ही उन एरर को ठीक किया जा सकता है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इनडिटर्मिनेट एरर्स, वेरिएशंस इन डिटर्मिनेट एरर्स एंड सेकेंड वन इज रैंडम और इरेटिक टाइप ऑफ एरर्स। ओके, इसके बाद एरर्स के बाद हमारे टॉपिक में कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थे, तो वो डेफिनेशंस भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला हमारा डेफिनेशन था एक्यूरेसी। व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड द एक्चुअल वैल्यू। तो देखिए, मैंने आपको इस वीडियो में स्टार्टिंग में बताया है कि एरर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड एक्सेप्टेड वैल्यू। अब उसका उल्टा कर देते हैं, यानी उसको दूसरे साइड से समझेंगे, तो जितना ज्यादा एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जितना ज्यादा करीब करीब रहेंगे, जितना ज्यादा एक समान आएंगे, नियरर रहेंगे, उस वैल्यू को कहेंगे एक्यूरेसी। तो व्हाट इज एक्यूरेसी? एक्यूरेसी रेफर्स टू द क्लोजनेस, क्लोजनेस मतलब करीब करीब, क्लोजनेस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू विद एक्सेप्टेड वैल्यू, एक्चुअल एक्सेप्टेड वैल्यू, दिस इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। सेकेंड डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, प्रिसिशन। ओके, व्हाट इज प्रिसिशन? इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस रिजल्ट्स ऑफ सेम एक्सपेरिमेंट। ओके, तो प्रिसिशन क्या होता है कि प्रिसिशन जब हम एक ही एक्सपेरिमेंट को कई बार करते हैं और उसके हर बार जो आंसर्स आते हैं, उन आंसर्स को जब हम टैली करेंगे, यानी कि कंबाइन करेंगे, और जो उसमें से निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ, ये एक बीच की रीडिंग वाली वैल्यू सभी में सही आ रही है, यानी कि इतनी वैल्यू कम ज्यादा हर एक्सपेरिमेंट में आ रही है, तो उस एग्रीमेंट को, उस यानी कि एक्सेप्टेड वैल्यू को, उस एग्रीमेंटेड वैल्यू को हम कहेंगे प्रिसिशन। तो देखिए डेफिनेशन में किस तरह से इसको लिखा गया है, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन वेरियस रिजल्ट्स ऑफ सेम एक्सपेरिमेंट। यानी एक ही एक्सपेरिमेंट को अगर हम कई बार करेंगे तो उनके अलग अलग रिजल्ट्स आएंगे, वेरियस रिजल्ट्स आएंगे, उसके बीच में जो एक्सेप्टेड वैल्यू रहेगी, जो एग्रीमेंट बनेगा, डिग्री ऑफ एग्रीमेंट, यानी कितना प्रमाण पे हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस एग्रीमेंट को कहेंगे प्रिसिशन। ओके, नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो ये तीसरा डेफिनेशन है, दीज आर द डिजिट्स और द वैल्यू that are reliable and absolutely necessary to express the quality, the quantity for any practical experiment outcomes. It depends on the least count of experiment used in digits expressing a measurement such that last digit is uncertain and it is so called as significant figures. तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है? ये ऐसे नंबर्स होते हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स या सिग्निफिकेंट फिगर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डिजिट्स होते हैं, बहुत ही एब्सोल्यूट, उनका यानी एग्जैक्ट वैल्यू लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके वजह से किसी एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को, किसी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को लिखना जरूरी हो जाए। यानी कि अगर किसी एक्सपेरिमेंट का आंसर 0.00012 आ रहा है, तो जो लास्ट का 0.0012, तो जो लास्ट का 1 और 2 है, वो हो जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स उस आंसर के लिए, उस रिजल्ट के लिए। तो देखिए, दीज आर द डिजिट्स और वैल्यू दैट आर रिलायबल, यानी कि वो उस पर विश्वास करना पड़ेगा, एंड आर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी फॉर एनी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स। तो किसी एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स के लिए ऐसे डिजिट्स जिनको लिखना ज्यादा जरूरी हो जाता है, उनको सिग्निफिकेंट नंबर्स कहते हैं। और इसके साथ साथ ये, इसके लिए ये क्या इंपॉर्टेंट है, इट डिपेंड्स ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट इक्विपमेंट यूज। तो जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं उसके लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है। लीस्ट काउंट मतलब वो इक्विपमेंट मिनिमम कितना वैल्यू तक गिन सकता है, कितने वैल्यू तक वो रीडिंग ले सकता है, उस वैल्यू को लीस्ट काउंट कहा जाता है। जैसे अगर आप कोई डिजिटल बैलेंस लेंगे तो डिजिटल बैलेंस की लीस्ट काउंट यानी कि कम से कम कितना गिन सकता है, 0.1 ग्राम, हो सकता है कि 0.01 ग्राम, तो 0.1 ग्राम या 0.01 ग्राम उसका लीस्ट काउंट है।
तो उससे आने वाला आंसर एटलीस्ट 0.1 ग्राम या 0.01 ग्राम ही होगा, उससे कम तो आंसर आ नहीं सकता। तो वो हो जाता है उस इंस्ट्रूमेंट के लिए, उस इक्विपमेंट के लिए सिग्निफिकेंट नंबर हो जाता है। और वो नंबर को एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट नंबर्स। तो दोस्तों कैसे लगा आपको वीडियो, जरूर मुझे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करके बताएंगे इस वीडियो से, और आगे के वीडियो में भी मैं आपको आगे का टॉपिक क्लियर करते रहूँगा।